सेल्फ डिस्क्लोज़र यानी कि स्वयं को खुद को प्रकट करना अब सेल्फ डिस्क्लोज़र कितना इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में आज हम वो पढ़ेंगे सो हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन आशा करती हूँ आज आप सब सुखी होंगे स्वस्थ होंगे आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ डिस्क्लोज़र सेल्फ डिस्क्लोज़र का मतलब क्या है एक एक्ट है ऑफ शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विथ योर पार्टनर जब आप अपने पार्टनर को अपने बारे में बताते हो अपने बारे में क्या कि आप कैसे हो आप क्या सोचते हो आपकी फीलिंग्स क्या है आपके एक्सपीरियंसेस क्या है आपको किस चीज़ से डर लगता है क्या चीज़ पसंद है सेल्फ डिस्क्लोजर इन अ रिलेशनशिप इज एक्ट ऑफ शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ योर पार्टनर इट्स ऑल अबाउट ओपनिंग अप एंड लेट इन देन सी और नो अबाउट यू द रियल यू योर थाट्स फीलिंग्स एक्सपीरियंसिस एंड वर्नेबिलिटीज दीज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स सेल्फ डिस्क्लोजर इज ऑफ टू टाइप्स डेप्थ एंड ब्रेथ सो अगर हम डेप्थ की बात करें डेप्थ रेफर्स टू इट्स फोकस और वी कैन से एम्फेसिस ऑन हाउ हाउ प पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाउ यू एक्सप्रेस योर और शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद डेट पार्टनर इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स फॉर द सुपरफेशियल लेवल और अन दर डीपर लेवल अगर हम सुपरफेशियल लेवल की बात करें सुपरफेशियल डिस्क्लोजर में आ जाता है ऊपर ऊपर कि आपके इंटरेस्ट क्या है हॉबीज़ के आपको क्या पसंद है क्या लाइक्स एंड डिसक्स हैं डीपर डिस्क्लोजर में क्या होगा कि आपके फियर्स क्या है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है आपको किसी चीज़ से डर लगता है आपके दीप थॉट पास्ट ट्रामाज क्या है ये डीप डीपर डिस्क्लोजर में आ जाएगा सेकेंड इज़ ब्रेथ ब्रेथ रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ टॉपिक्स यू डिस्कस अब ये हम ऐसा नहीं कर सकते इन फॉर्मल मैनर में नहीं हम ये कह सकते हैं ब्रेथ का मतलब है वैरायटी ऑफ टॉपिक्स यानी कि देश में क्या चल रहा है कंट्री में क्या चल रहा है इस सोसाइटी में ये टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है इसके ऊपर आपकी और मेरी क्या राय है वरायटी ऑफ टॉपिक्स यू डिस्कस विद योर पार्टनर शेयरिंग योर थाट्स ऑन करेंट लेवल्स और ऑन द करेंट इवेंट्स अब ये मैटर क्यों करता है भाई हम क्यों अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने पार्टनर को बताया व्हाई डज इट मैटर इन अ रिलेशनशिप डेट इज सेल्फ डिस्क्लोजर क्यों करना जरूरी है पहला ये इंटीमेसी बिल्ड करता है दूसरा ये बॉन्ड को स्ट्रांग बनाता है तीसरा ये रेसिप्रोसिटी को प्रमोट करता है और चौथा बैलेंस इन लाइफ बैलेंस इन रिलेशनशिप एक एक करके डिस्कस करते हैं बिल्ड इंटीमेसी बिल्ड्स इंटीमेसी मतलब कितना आप एक दूसरे से क्लोज हो जितना आप एक दूसरे को जानोगे इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे उतना डीप कनेक्शन एंड डीप बॉन्ड होगा रिलेशनशिप में ट्रस्ट स्ट्रेंथन करता है आप एक दूसरे को बताओगे तो आपके एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट आएगा कि भाई ऑनस्ट कन्वर्सेशन कर रहे हो आप डिस्क्लोज कर रहे हो अपने पार्टनर को ट्रस्टिंग योर पार्टनर तीसरा प्रोमोट्स रेसिप्रोसिटी अगर एक पर्सन पर्सन ए अगर अपने पार्टनर को सारे बातें बता रहा है तो पर्सन बी भी बताएगा वो रेसिप्रोकेट करेगा आपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताया वो भी बताएगा आपने अपने फियर्स फी, के बारे में बताया वो भी अपने फियर्स के, के बारे में बताएगा या बताएगी सो सेल्फ डिस्क्लोजर इज अ टू वे स्ट्रीट वेन यू ओपन अप यू एनकरेज योर पार्टनर टू डू द सेम चौथा है फाइंडिंग बैलेंस अच्छा अब ज़्यादा सेल्फ डिस्क्लोजर पहली बार में ही कर देना अपने बारे में सब कुछ ही पहले बता देना क्वाइट ओवरवेलम मिला है कि आपने एक ही दिन सब कुछ बता दिया कि भाई मेरे डी मेरे ड्रीम्स ये थे मैं यहाँ गई थी मैंने ये किया था मेरा ये पास एक्सपीरियंस था मेरा ये ड्राम है मुझे इससे से डर लगता है मेरा ये गोल है मेरा ये इंटरेस्ट है कि मेरा ये हॉबीज़ है ये तो ये देख रहे ना आप शेयरिंग टू मच कैन माइट ओवरवेलम योर पार्टनर और अगर आपने बहुत ही कम बताया या आधा अधूरा बताया दैट शेयरिंग टू लिटिल कैन क्रिएट डिस्टेंस इन योर रिलेशनशिप तो एक बैलेंस फाइंड करना बहुत ज़रूरी है अब ये कैसे होगा एक हेल्दी सेल्फ डिस्कलूजर इन इन एनी रिलेशनशिप ये कैसे होगा सबसे पहले धीरे धीरे स्टार्ट करो स्टार्ट ग्रेजुअली फिर अटेंशन दो अट, मतलब अटेंशन पे करो मतलब देखो पार्टनर जो आप बोल रहे हो उस चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहा है कि नहीं या इसको बोरिंग तो नहीं लग रहा है या ये जो मैं बोल रही हूँ ये इंटरेस्टेड है या नहीं इधर उधर तो नहीं कर रहा है या ये इसका जो ध्यान है इधर उधर तो नहीं जा रही है ये जा रहा है सो इट स्टार्ट ग्रेजुअली सेकेंड पेयर टेंशन टू योर पार्टनर्स रिएक्शन थर्ड रिस्पेक्ट बाउंड्रीज़ हो सकता है आपने कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सेल्फ डिस्क्लोजर में कुछ ऐसी बात बोल दी शायद वो अपनी बाउंड्रीज़ में नहीं ले पा रहा है या ले पा रही है सो so, अपनी भी बाउंड्री रिस्पेक्ट करो और उसकी भी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करो चौथा है फोकस ऑन द प्रेजेंट ज़्यादा पास्ट में मत घुसो या ज़्यादा फ्यूचर में मत जाओ फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड डिस्कलोज यल्फ विद इन अ बैलेंस अगर हम कॉन्क्लूजन देखें तो सीधी सी बात है ओवरऑल द सेल्फ डिस्क्लोजर इज़ अ वेरी पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉग मीनिंगफुल रिलेशनशिप बाई ओपनिंग अप एंड शेयरिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ यू क्रिएट स्पेस फॉर इंडी में सी ट्रस्ट एंड कनेक्शंस सो आई होप ये बहुत ही सिंपल वीडियो मैंने एक बनाने की कोशिश की है सेल्फ डिस्क्लोजर पर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्वस्थ रहिए सुखी रहिए देखते रहिए हमारा चैनल